तो लेकिन गुरुदेव कच्ची नहर का काम किया उनने, पहले पूरा भरपूर यहां बचाया और जब बिल्कुल लबालब हो गए ऐसा कि अब कुछ रहा ही नहीं अंदर लेने लायक, तो वो फिर उन्होंने सारे जगत के सामने बहा दिया। हम भी ऐसा ही करें। देखो बहुत मार्मिक बात है, जिन वाणी अपन छपाते हैं, गुरुदेव की वाणी को अपन छपाते हैं और जन जन तक पहुंचा देते हैं, वो छपाने का काम हम लोग करते हैं और पहुंचाने का काम आप लोग करते हो, है ना। तभी भी वो वहां तक पहुंचती है ना, ये सही बात है कि नहीं। तो ये हमारा और आपका जो मिलान है एक दूसरे का सहयोगी का है कि नहीं, बोलो। यदि हम उसको छपा करके बाल के रख दे में, कैसेटों में बना बना के सब रख दे में, और आप लोग नहीं पहुंचाएं तो वो अन्य बहुत अधिक लोगों तक नहीं पहुंचेगी। तो आप हमारे सहयोगी हैं कि विरोधी, क्यों? अच्छा, और हम आपके सहयोगी हैं कि विरोधी? हम बात छपा के तैयार ही नहीं करें तो तुम क्या पहुंचाओगे? फिर तुम प्रभावना के नाम पर लड्डू बांटोगे, कटोरे बांटोगे स्टील के, क्यों? दोनों पाप भाव हैं, लड्डू खाए जाएंगे, क्यों? उनकी शुगर को बढ़ाएंगे, उनके पेट को बढ़ाएंगे, उनका भी अहित करें लौकिक दृष्टि से भी, और अशुभ भाव है, क्यों? तो हमने तुमको ये चीज तैयार करके दी तो हम भी तुम्हारे दोस्त ही हुए, शत्रु तो नहीं हुए ना। अब दोस्त का क्या है, दोस्त की परिभाषा क्या है? तो एक आचार्य ने लिखा कि जो योजयते हिता है, जो हमें हित के काम में लगाए उसका नाम दोस्त है, मित्र है, क्यों? तो यहां आचार्य ये कह रहे हैं कि तुम हमारी शास्त्र को वहां पहुंचा रहे हो, हमें बहुत खुशी है। अनंत भी कह रहे हैं हमारी दिव्य ध्वनि को तुम जन जन तक पहुंचाते हो, जो भी हमें बहुत खुशी है, लेकिन तुम माटी की नहर होकर उसे पूरा पढ़ो और फिर तुम्हें अच्छी लगे और फिर कहो कि अब मैं इसे लाखों की संख्या में पहुंचाऊंगा। कहीं साहब पंडित जी आपने लिखी है तो बहुत बढ़िया ही होगी, आप तो कहो कितनी बार बांटनी है, बस मेरे को आज्ञा करो, 2-5 हजार जितनी कहो मैं उतनी बांट दूंगा। लेकिन इतनी बात यह है कि आपने छपाई है, वो बांटने की व्यवस्था भी आपको ही करनी पड़ेगी। मैं तो सिर्फ माने मैं पढ़ना तो बहुत दूर, उसे हाथ का स्पर्श भी नहीं कर, तो अपने हाथ से बांटना ना आनंद भाई, लो अपने हाथ से देना, पंडित जी में कहा मैं कहा किस किस आप ही पैदा दे देना, आप ही दे देना, माने उसको हाथ भी नहीं लगाना चाहते हो। तो गंभीरता से मैं क्या कहना चाहता हूं, ये जो गुरुदेव की दिव्य वाणी है इसको जन जन तक पहुंचाने का काम हमें करना है, लेकिन वो कच्ची नहर बन गए अभिनंदन अंदर उतार कर कोई उस पर से आप चर्चा करे आपसे, तो फिर आप बता सको कि हाँ इसमें ये है ये है ये है ये है, मेरे कहने का मतलब ये है, सही तरीका ये है। ये गुरुदेव श्री की वाणी की आई बात मैंने आपसे की, भाग्य की बात है अपना क्रम से जो गाथा चल रही थी 39 से 43 तक और 44 में, तो इन गाथा की चर्चा अपन कल हुई है। उसके बाद में एक अमृतचंद का कलश है, वो भी अमृतचंद का कलश है, कौन? यत्रा प्रतिक्रमण में विष प्रणीतम तत्ता प्रतिक्रमणम अमृतम कुटास्या, ये भी वही कलश है उनका, और ये भी उसी मालिनी छंद में है। विरम क्रम परेण कार्य कोलाहले स्वी निर्भता सन पश्यसन मास मेघम हृदय सदसि पुंसा उद्गला भिन्न धामनो ननु क्रम अनुपलब्धि भाति किंचो उपलब्धि, वही कलश है। विरम रुक जाओ, पहला शब्द देखिए, तो थोड़ा बहुत संस्कृत व्याकरण जानते हैं, किया है ना तुम्हें, जानता है ना विरम कहाँ का रूप है,
कौन सी धातु का कौन सा कैसा है कहाँ का रूप है कुछ भूल गया ध्यान में भी देने सुनने बता दो भगवान तुझे तो गया बी उपसर्ग पूर्वक रम धातु रमति विरमति है ना रमति माने रमण करना और विरमति माने विरमण करना माने रमण करने से अलग हो जाना और फिर विरम तो लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है और लोट लकार काय में प्रयोग होता है आज्ञा में माने आचार्य आज्ञा दे रहे हैं रुक जाओ बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा हो लोग दौड़ धूप कर रहे हो तो एकदम जैसे पुलिस वाले आते हैं रुक जाओ जहां तो खड़ा है वहीं खड़े हो जाओ एक शब्दों से कोई नहीं बोलेगा ये विरम शब्द का अर्थ है रुक जाओ अब एकदम समझेंगे क्या भाई क्या हुआ क्या हुआ तो कहते हैं किम अपरेने अकारि कोलाहले ने व्यर्थ का बकवाद क्यों कर रहे हो ये हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हो ये कोलाहल क्यों कर रहे हो किम अपरेण कोलाहले ने कैसा कोलाहल अकार्य कोलाहल जिससे कोई सिद्धि होने वाली नहीं है अब चल रहा हमें दो हमें दो हमें दो ये भाई एक किताबें रखी हैं ये आप सबको देने के लिए रखी हैं कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं जाएगा कि जिसको किताब नहीं मिलेगी लेकिन आप हमें दो हमें दो हमें ऐसे चिल्लाने से नहीं मिलेगी ये भब्बड़ करने से नहीं मिलेगी ये तुम्हारा भब्बड़ अकार्य कोलाहल है अकार्य इससे कार्य की सिद्धि नहीं होगी बल्कि बाधा होगी क्या बाधा होगी कभी ये बंद कर दो ये बांटने से कितना भब्बड़ हो गया हमारी सब व्यवस्था भंग हो जाएगी मंडली हम आपके हाथ जोड़ते हैं ये बांटना बंद कर दो कहते कि नहीं कहते हीरा भाई देखो तुम्हें मिलना बंद हो जाएगा सब चुप रहो तो सबको मिलेगा हम इतने चतुर हैं कि सब चुप हो जाते एक सेकंड को और दूसरे क्षण कहते हैं देखो पंडित जी मैं चुप हूं मुझे देना वो कहते मैं चुप हूं और दूसरे समय में मैं चुप हूं कर हल्ला हो जाता वो कहते हैं अकार्य कोलाहल में विरम व्यर्थ के बकवाद से तुम चुप हो जाओ अकार्य कोलाहल का शब्द कहा है देखो मैंने इसका पदानुवाद किया है हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से बिल्कुल अक्षर अक्षर है ऊपर में ऊपर भी आया ना क्षण मासम बस क्षण मास अपने आत्मा का अभ्यास करके उसको देख देखो ये अकार्य कोलाहल किसके लिए कह रहे आचार्य ये जो नारे लगाते होंगे बाद में ये उदमबाजी कर रहे हैं ये मार्केट में बैठे वाले हों से कर रहे हो किससे कह रहे आचार्य मार्केट में जाते कहाँ हैं वे तो वनवासी जंगल में रहने वाले हैं क्यों और आहार को जंगल में जाते हैं तो भी मौन लेके जाते हैं तो कौन उन्हीं के जो शिष्यगण बैठे हैं और जो आत्मा ऐसा आत्मा ऐसा आत्मा ऐसा आत्मा ये इसको कोलाहल करे ये नाच गाना ये भक्ति ये धूमधाम ये नांगारे ये बाजे एक ही बात ही नहीं है ये तो बहुत इनके लिए तो बहुत दिल्ली दूर है अभी वो जो कहते वो ये विकल्प वो जो प्रतिक्रमण वाला प्रतिक्रमण को भी दिश कहा तो प्रतिक्रमण क्या कि मैंने ये गलती की मैंने ये गलती की मैंने ये गलती की भगवान मैंने ये गलती की अमेरिका मैं भविष्य में ये गलती नहीं करूंगा मुझे माफ कर दो मैं चुप रहो कोलाहल करने से कोई फायदा नहीं क्या ये जहर है जहर है कि माफी मांगना जहर है अपराध के बिना माफी मांगना होता है
तो फिर नहीं मांगे माफी, जम के अपराध करें। अरे भाई तुम नीचे नीचे क्यों जाते हो? तो हम क्या कह रहे कि ऐसा करो कि भविष्य में माफी मांगने ना पड़े। अब अप्रतिक्रमण दो तरह का होता है, कौन कौन सा? एक तो वो नीचे का अनर्गल प्रवर्तन और एक ऊपर का कि अपने आत्मा में चले जाना, उसको भी अप्रतिक्रमण कहते हैं। ये गजब की बात है, पढ़ना उसमें गुरुदेव का जो प्रवचन है ना, वो समय सार उठा के पढ़ना और उस गुरुदेव के प्रवचन पढ़ना, सुनने से उतना मजा नहीं आया जितना पढ़ने में आया। प्रवचन रत्नाकर में उठा के पढ़ना, मैंने 20-20 दफे पढ़ा है, तब मैं आपको कह रहा हूं कि क्या है, काय को रोक रहे और कहां जाने को कह रहे। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है और वहां लिखा हे मुनिजनों, वो मुनिजनों का जो व्यवहार है उसको वो कह रहे हैं। तो प्रतिक्रमण रोजाना करना चाहिए, अपने कहते सामायिक दिन में 3 दफे करना चाहिए। ये गलती हो गई क्या? बोल रहे ना कि जले झाड़ू ले जांगा बुहारी, चिटी आदि के जीव बिदारी, जले छाने जीवानी कीनी, तो भूकुन डारे जो दीनी। ये अपने गुजरातियों की समझ में नहीं आएगा, समझना नहीं। हमारी हिंदी माता बहनों की एक एक को ये पंक्ति याद है, रोजाना बोलती हूँ बिल्कुल हिंदी वालों को, पर हमारे खासकर बुंदेलखंड के उधर के होंगे तो उदय प्रसाद को इनको भी होगा। क्यों? जैसे आपके प्रतिक्रमण होता है 14 समुद्र को कभी, हमारे यहाँ रोजी का धंधा है, पर हमारी माता बहन इतनी होशियार है, हाथ में झाड़ू लेती हैं और झाड़ते जाती है और बोलते जाती है तो झाड़ू ले। मैंने पूरा क्रियाकांड रह गया है, समझ गया ना? तो वो एक इसको प्रतिक्रमण है और इसको विष करे, वो जो ऐसा करते हैं वो तो प्रतिक्रमण भी नहीं है, वो भाव पूर्वक के सचमुच ये सबसे कह रहा है। देखो मैं कहता हूं एक इंद्री से, दो इंद्री से, तीन इंद्री से बोलते क्या नहीं बोलते मन माफी मांगी। खमामी सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमंत, सभ्य जीवा मन सब आ गए ना के साथ असैनी पंचेन्द्री, उनसे तुम का माफी मांग रहे? फिर तुम्हारी माफी मांगने का कुछ समझते ही नहीं, तो माफी क्या के लिए समझदारों से मांगी जाती है? तुमने जिनके प्रति अपराध किया है माफी तो उनसे मांगी जाती है ना, तो उनके प्रति तुमने कम अपराध किए हैं? तुम विचार करके देखो, और किए हैं तो माफी क्यों नहीं मांगोगे? एक मच्छर ने हमें काटा, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं, एक मच्छर ने हमें काटा, उसने हमारा खून पिया, कितना पिया होगा? एक बूंद, अरे एक बूंद इतना पेट कहां बेचारे का, कितना सा छोटा सा मच्छर, एक बूंद का भी चौथा हिस्सा मुश्किल से उसके पेट में गया होगा, और वो बेचारा क्या करता? आखिर उसे पेट तो भरना ही था, ना तो उसके खेती बाड़ी है, ना दुकानदारी है, ना धंधा है, ना अच्छी नौकरी है। अब उसे तो यहीं कहीं से पेट भरना है ना, उनने तुमसे बैर विरोध पाल के तुम्हारा खून नहीं पिया है क्या? सिर्फ अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये काम किया है, समझिए ना, और हमने फट से ऐसा मारा और अपना खून निकाल लिया और उसकी जान निकाल दी। ये ककड़ी के चोर को कटार मारना नहीं है, क्यों? और इतना ही नहीं, आजकल मच्छर बहुत हो गए हैं। तो मैंने वो तो डीडीटी तो छिड़कवाओ, तुम्हें एक मच्छर ने क्या काटा, तुम्हारे घर में एक मच्छर नहीं रहना चाहिए, लाखों हजारों मच्छरों को मरवा दो, और अकेले मच्छर ही थोड़ी मरेंगे,
इसमें और भी जो कीड़े मकोड़े होंगे वो डीडी के छिड़कवाने से मरते हैं कि नहीं मरते हैं बोलो। तो एक आदमी का दंड कितनों को दिया? और यदि तुम भाग्य से म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष होते तो पूरे नगर को डीडीटी छिड़कवा दो, एक मच्छर नहीं रहना चाहिए, ऐसा सूचना लगाओ। एक मलेरिया किसी को मिले लाकर कोई रोगी बताएगा तो हम 1000 का इनाम देंगे। क्यों? एक मच्छर नहीं रहना चाहिए। क्यों? और यदि मुख्यमंत्री होते तो पूरे प्रांत के मच्छरों से मुक्त कर देते। आप अपने को मुक्त करने के लिए आए थे, ये मनुष्य अपने को मुक्त करने के लिए मिला था और हमने अपने सारे प्रांत को मच्छरों से मुक्त कर दिया। और वहां दुर्भाग्य से यदि प्रधानमंत्री होते तो सारे हिंदुस्तान में एक मच्छर नहीं बचता। उसने हमारा एक बूंद खून क्या पिया? हमने उसके कुल के कुल सारे देश में और उसके साथ और कितने कीड़े मकोड़ों को मार डाला, ये कम है? उस मच्छरों से तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तो नहीं मांगूंगा, और मांगूंगा तो लिखित तो नहीं मांगूंगा। अरे तेरी क्या कीमत है? वो ये कह रहे, अब आचार्य कह रहे हैं, कह रहे माफी माफी माफी, कितने दिन तक मांगेगा? आज मांग रहा है और कल फिर मच्छर मार रहा है, हैं? आप समझ गए ना? आज एक गाल पे चांटा मारा और उसने कहा भाई साहब माफ कर देना, उसने कहा माफ किया दूसरी बजे। ये ऐसा प्रतिक्रमण काम नहीं आएगा। तो क्या कर कि तू माफी मांग चाहे मत मांग, लेकिन कल से एक खोटा काम मत करना। ये अब ये प्रतिक्रमण आप सुनिए ना, ये तू ये प्रत्यक्ष है, भविष्य में ऐसा नहीं करना। तो कहते जहां माफी 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 मांगना तो अपराध का सूचक है। अपराध किया है ना, कि स्वीकार तो कर लिया, किया हो स्वीकार कर लिया, जिन्हें स्वीकार नहीं किया वो महापापी, स्वीकार कर लिया भी अल्पपापी। लेकिन निष्पापी तो उस अपराध को छोड़ने से बनेंगे। जो कह रहे किम अपरम अकारि कोलाहले ने, अब कब आप कैसे कहते हैं अकारि कोलाहल का अर्थ है? कैसे कहते हैं भाई बोलो धनकुमार जी? ये जो गाथा अपन ने जितनी पढ़ ली ना, कितनी पढ़ ली? 44 गाथा, उसके बाद कलश आया ना, तो 44 गाथा में जो तुम पढ़ते आए आचार्य उसको अकारि कोलाहल कह रहे हैं। अथवा 39 से 44 तक के नाम, तो उसने क्या कहा था कि कोई जीव कर्म को शरीर मानते हैं, कोई शरीर को आत्मा मानते हैं, कोई इसको आत्मा मानते हैं, कोई इसको आत्मा मानते हैं, कोई इसका आत्मा मानते हैं, तो बेसब और फिर उसके बदले में आचार्य ने कहा कि इसमें दम नहीं है, इसमें नहीं है। वो कहता हमारे हमें कोई आत्मा इसके अलावा दिखता नहीं है, लेकिन हमें दिखता है। ये जो बात हो रही है ना आचार्य की उन लोगों से, वास्तव में आचार्य के सामने वे लोग तो है नहीं, लेकिन वैसी ही मान्यता वाले जैनियों में है। अब और कहूं तो मुनियों में है नहीं। वो क्यों? कि वो तो जंगल में और कौन है, उनके शिष्य ना, उनसे कह रहे ना वे अपने शिष्यों से। मैं कोई आज के मुनियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं माफ कर देना, कोई गलत अर्थ नहीं लगाना। वे तो अमृतचंद्र तो अपने शिष्यों से कह रहे जो उनके सामने बैठे होंगे, और अमृतचंद्र कह रहे और अपने शिष्यों से। क्यों? क्या इस अकारि कोलाहल से बंद करो कि क्या करो कि वो जो आत्मा, हमने तर्क दिया था कि वेद ज्ञानियों के अनुभव में निरंतर आ रहा है। क्या काय के लिए तर्क दिया था? वो कहता था कि शरीर कर्म इनका उदय अद्वसान भाव इनसे भिन्न हमें आत्मा दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम इनको आत्मा मानते हैं। आचार्य ने कहा था भेद ज्ञानियों को इनसे भिन्न आत्मा दिखाई देता है, और आगम का वचन है वो गाथा में ऐसा लिखा है कि जने ही भणिया, गाथा पढ़ के बता एक सेकंड, ए बे सब्बे भावा ओगल दब प्रणाम ने पन्ना, केवल जने ही भणिया कहते जीवो तबू चंती। ये सभी भाव
उद्गल परिणाम से बने हुए हैं, वो आठों प्रकार के। तो केवल जिने ही भणिया, ये बात केवल ही भगवान ने कही है, हम मैं नहीं कह रहे हूं। यानी उनको ये बात इतनी बड़ी लगी कि वो जानते थे कि मेरे नाम से नहीं चलेगी। ऐसा होता ना कि जब मैं कोई बात यहां कहूं और मैं ऐसा समझूं कि ये बात मेरे नाम से नहीं चलेगी, कि पंडित हुकुमचंद ने कहा इसलिए कोई नहीं मानेगा, तो हमारे पास क्या उपाय है कि पूज्य गुरुदेव श्री ने उस गाथा के प्रवचन में देख लेना, उस पर यही लिखा है, कोटेशन हमने इसमें दिए हैं, आप देना पढ़ के सुना सकते हैं, तो फिर आप एक सेकंड में मान लेंगे। आचार्यों ने एक आदेश दिया कि कोई भी बात करो तो दो तरीके से करो, आगम से और युक्ति से। देखो आगम तो युक्तिष्ठ है, तो उन्होंने कहा क्यों, तो उन्होंने जवाब दिया कि दुनिया में जिनसे तुम बात कर रहे वे श्रोता, वे दो प्रकार के हैं। तो कैसे कैसे हैं दो प्रकार के? एक तो वे हैं कि तुम हजार तर्क दो, नहीं, एक आगम प्रमाण निकाल दो, निकाल के उठा के बता दो क्या, तो वे एक सेकंड में हथियार डाल देंगे, हथियार छूट क्या। तुम्हें एक 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 छड़ा लगी पंक्ति बोल दो वो मान लेंगे कि सभी प्रकार का राग हे है, ये है राग, याग दहे, तो एकदम मान लेगा। और तुम कितने ही कहो कि नहीं साहब क्या बात करते हो, ऐसा क्या पर नहीं मानेगा। तो इसे जो आगम में श्रद्धा रखने वाले श्रोता, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में रखने श्रद्धा रखने वाले श्रोता, तो उनके लिए आपको आगम का प्रमाण देना पड़ेगा। और आगम का प्रमाण क्या, हम कहें कुंद कुंद ने कहा, स्वामी जी ने कहा, अब कुंद कुंद क्या कहे, तो जिनेन्द्र भगवान ने कहा, यानी वो नियम सब पे लागू होता है क्या। यानी अकेले केवली को छोड़ दो और बाकी के उसके नीचे गंधर्वदेव से लेकर जो छह उपशम ज्ञान वाले हैं, चार ज्ञान के धनी तक, उन सबके साथ ये नियम लागू है कि वे आगम प्रमाण बताएं तो ये कहें केवल जिन्हें ही भणिया। और जिनेन्द्र भगवान को कहना पड़ेगा तो अग्नि गर्म है, अग्नि गर्म, हम तो कहते हैं भगवान ने बताया कि अग्नि गर्म है, और भगवान क्या कहेंगे, छूके देख ले, मैंने वस्तु ऐसी है, वस्तु वस्तु अनुभव को प्रमाण बताएंगे ना, मेरे में कहने का मतलब ये है। तो एक दो भी आगम तो 90% श्रोता तो इससे निबट जाएंगे, जो आगम में श्रद्धा रखने वाले हैं। और जो जिनको आगम में श्रद्धा नहीं है, कहना ही ना, जिन लोगों की आगम में श्रद्धा नहीं है उनके लिए तो मैंने कल कह दिया था, आप लोग नहीं थे, लेकिन कह दिया था कि भगवान हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि आपसे माथा पच्ची करें। हम जिनको आगम में श्रद्धा नहीं है उन्हें समझाने की ताकत हमें नहीं है, और हमारे मनुष्य का जो हमारे बहुत कम हमारे पास बचा है, जो एक क्षण भी हम इसमें बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं है। तुम कहो कि हमें 100% भगवान महावीर की वाणी में, कुंद कुंद की वाणी में है, और आगे कहो तो और आचार्यों की वाणी में, टोडरमल जी की वाणी में, पूज गुरुदेव श्री की वाणी में, यहां तक तुम में पूरी श्रद्धा हो तो हमसे बात कर, नहीं है तो छुट्टी। 90% जो इतनी श्रद्धा वाले होंगे उन्हें इतना पर्याप्त है। फिर दूसरे, इसमें भी थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं, दो मिनट का, एक मिनट के, कि इसमें दो तरह की है, तो जो अपने जितने मुमुक्षु भाई हैं, पूज्य गुरुदेव में श्रद्धा रखने वाले हैं, वे तो गुरुदेव की पंक्ति निकाल दो तो बिल्कुल निजी गर्दन करके चुपचाप स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ऐसे भी कच्चे मक्के बहुत लोग आते हैं सुनने के लिए, समझने के लिए, अपना साधर्मी है, दिगम्बर जैन है, शुद्धामनाय के हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके दिल में विकल्प बना रहता है, तो उनके लिए कहो जयसेन ने कहा है, अमृतचंद्र ने कहा है, तो उनके नाम लो, टोडमल ने कहा है, बनारसी दास ने कहा है, तो वे उनसे मान जाएंगे। बाकी के जो 9% है ना है? वे उनसे मान जाएंगे। इसलिए हमने अनुशीलन में ऐसा विचार रखा कि मुमुक्षुओं के लिए गुरुदेव के कोटेशन दिए और गैर मुमुक्षुओं के लिए
और जितने आचार्यों के और विद्वान पंडितों के थे वे कोटि संधि दिए। तो जो जिनागम में सत्ता रखने वाले थे वो तो इतने से निकल गए, लेकिन 1% ऐसे भी तर्कबाज हैं, हम कुछ नहीं जानते शास्त्र पास्त्र में क्या लिखा, शास्त्र पास्त्र है। हमें तो तर्क की कसौटी पे कसकर सिद्ध करो, तो उनके लिए तर्क और युक्ति से बात समझानी पड़ती है। और ये आगम की आज्ञा है, सर्वार सिद्धि में लिखा है, सर्वार सिद्धि में आचार्य पूज्य पाद ने आगम तो युक्तिष्ठ है, तो आगम से और युक्ति से अपनी बात को स्पष्ट करना चाहिए। अब ये जो अपनी गाथा पीछे गई है इसमें बहुत झगड़ा है। एक इनने कह दिया एवं जने ही भैया, जिनेन्द्र देव ने कहा है उनने भी अपने माथे नहीं लिया, कुंद कुंद ने भी अपने माथे नहीं लिया। हमने कहा गुरुदेव सिंह ने कहा है, गुरुदेव के पास गए देखो 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 ये लिखा अमृतचंद्र ने, अमृतचंद्र के पास गए देखो कुंद कुंद की मूल गाथा में है, कुंद कुंद के पास गए मैंने भगवान ने कहा है सौ इंद्रों की उपस्थिति में, ख्याल में है ना। तो अब वो कहते हैं वो हमने मान लिए इतने, और दूसरे कह दिया कि हम तर्क युक्ति से मानने आ गए, लेकिन युक्ति क्या दी कि भेद विज्ञानियों को वो आत्मा निरंतर दिखाई दे रहा है, ये युक्ति दी। तो वो कहते हैं हम तो ना तुम्हारे भगवान को मानते हैं और ना तुम्हारे भेद विज्ञानियों को मानते हैं कि उन्हें दिखाई दे रहा है। अब क्या करें, ये मान इसमें लिखा है, ये सब उसमें ऐसा लिखा है कि ये स्वानुभव गर्भित युक्ति है। अब ये युक्ति आगमा सिद्ध भी है, राजेंद्र जी समझना, आगमा सिद्ध का मतलब ये होता है कि आगम में ऐसा लिखा है, अब हम क्या करें, तुम तो जवान बंद करना चाहते हो किसी आगम के ऐसा कहते, ख्याल में आई ना। तो आगमा सिद्ध भी है ये युक्ति और ये स्वानुभव आश्रित है, तो हम कहते हैं हमें तो ऐसा अनुभव में आता है, अब क्या करोगे, तुम्हारे अनुभव से हम अपने अनुभव को टकराएंगे, इसलिए आपकी ये युक्ति और ये आगम स्वानुभव गर्भित युक्ति और ये आगम हमारे गले नहीं उतरता है। मैंने इसमें बराबर प्रश्नोत्तर लिखे हैं इसके, और ये प्रश्न किए फिर उत्तर दिए, फिर प्रश्न किए फिर उत्तर दिए, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है अब करो नक्की कर लो। कि एक तरफ अज्ञानियों के अनुभव में ये आ रहा है कि हमें ये दिखता है और इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता, इसलिए हम तो इन्हीं को आत्मा माने, ये अज्ञानियों की युक्ति है। और ये भेद ज्ञानी की युक्ति है कि ये आत्मा है हम इसलिए माने। अब बोलो भेद ज्ञानियों की युक्ति को ताकत देना है या ज्ञानियों को, पहले नंबर समझ में आया ना। और फिर दूसरी बात यह है, एक कहता है कि हमें नहीं दिखता इसलिए नहीं है, और दूसरा ये कहता है कि हमें दिखता है इसलिए है, इसमें वजनदार कौन है, देखो भैया ये एक मोबाइल मेरे हाथ में है, क्यों बोलो ना राजेंद्र, हमें तो नहीं दिखता था, ऐसे भी होंगे पीछे वाले दिख रहा है वालचंद जी, नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें नहीं दिखता, और ये कह रहे हैं कि दिख रहा है हमें। अब बोलो किसकी बात माने, तुम नहीं दिखता तो चश्मा लगाओ और आंख का इलाज कराओ मोती अरविंद का, हम क्या करें। माने दिखने वाली इतनी प्रबल होती है और नहीं दिखने वाली इतनी कमजोर होती है, ऐसा हमें जो नहीं दिखता है वो हम कहे दुनिया में है नहीं। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, आपने अपने पिताजी को देखा, देखा ना तो बैठे है, ये नक्की बात है ना। और पिताजी के पिताजी को देखा कि नहीं देखा, और पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी को नहीं देखा तो वे नहीं थे, कह सकते हो। जिनको आपने देखा नहीं वे जगत में नहीं है, इस युक्ति से कि यदि वे नहीं होते, यदि मेरे पिताजी नहीं होते तो मैं नहीं होता।